भाई कितना प्यारा लग रहा है ये। आज तो और भी ज्यादा ये ब्लैक शर्ट आप जैसे रहते हैं। हाय हे, किसके ख्यालों में खोई हुई हो इतने टाइम से? ख्याल नहीं तो नहीं, मैं तो ऐसे देख रहा हूँ इतने टाइम से खड़ी हो और पता नहीं ध्यान तुम्हारा कहाँ है। एकदम जैसे लग रहा है ना किसी के ख्यालों में खो गई हो। कौन है वो मैं नहीं तो बता भी दो, अब कौन है जो आपके जहनों में चल रहा है? इतना सज किसके लिए? रज धज के किसके लिए आया हूँ? हाँ ऐसे खुद के लिए और किसी के लिए नहीं। आज कुछ स्पेशल है क्या? आज तुम्हें नहीं पता आज क्या है? क्या है? अच्छा, सच में तुम्हें नहीं पता? नहीं क्या है वैसे आज? लग रहा है क्या ना कि तुम्हारी याददाश्त जो ना थोड़ी सी कमजोर हो गई है। चोट लगी थी तुम्हारे पैर पे और असर दिमाग पे हो गया है। नहीं कुछ भी। हाँ तो कल जो था आपने मुझे कितना परेशान किया था कि बेबी तुम दिन भूल गए दिन भूल गए दिन भूल गए। कल कौन सा डे था बताओ? वो वो तो भी मैं नहीं। ही आधे लाई थी ना। हाँ तो कल था बब्बा रोज डे, तो आज कौन सा डे होगा हाँ मुझे सब पता है। बताओ क्या है डे? क्या है आज? आज चॉकलेट डे है क्या? कहाँ मेरा चॉकलेट किधर है? अच्छा अब समझ में आया। मुझे लगता था कि क्या लगता था? नहीं, मुझे ऐसा लगता था हाँ ना, हाँ क्या 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 लगता था? मुझे लगता था कि आप खुद ही हाँ आकर के बोलोगे ठीक है कि आज प्रपोज डे है क्या चीजें, बट आपको ओ तो कुछ याद ही नहीं। मुझे सब याद है। ठीक है मैं तो बस हाँ सोच रही थी देख रही थी कि याद है कि नहीं है। हाँ हाँ मुझे कल भी याद था कि रोज डे है और आज का भी याद है कि आज प्रपोज डे है। तो इसमें वैसे होता क्या है? इसमें होता क्या है तुम्हें नहीं पता क्या होता? नहीं इसमें जो है जो भी कपल्स होते हैं ना वो अपने मन की बात या मतलब जो वो फील करते हैं एक दूसरे के लिए वो अपने पार्टनर को बताते हैं, बयां करते हैं अपने दिल की बात। हाँ वो ऐसा अच्छा वो इतना धीरे से क्या बोला आपने? मैंने सुना बस बहुत ही धीमी सी वॉइस आई, क्या बोला बताना। कुछ भी तो नहीं। हाँ मैं सब समझ रहा हूँ सब समझ रहा हूँ। क्या समझे बताना जरा। मैं यही समझा कि कल था रोज डे तो आप मेरे लिए रोज लेके आए थे ठीक है, तो आज प्रपोज डे है तो क्या कुछ आज के लिए भी आपका कुछ है? तो क्या नहीं मुझे लगा कि आप रोज डे के लिए इतना ज्यादा प्रिपेयर थे तो शायद आज के लिए भी आपने कुछ किया होगा प्लान। इतनी आलसी है ना? कितना आलसी लड़का है ये। हाँ मैंने सुन लिया मैंने सुन हाँ लिया कि मैं आलसी नहीं हूँ ठीक है, मैं आपकी बातों के लिए वेट कर रहा हूँ कि कब आप बोलेंगी क्या फील करती हैं। अभी मैं बताऊँ कभी खुद भी बोल देना चाहिए ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, आप बोल दोगे तो कौन सा आपको कुछ चला जाएगा ना, जो आप फील करते हो वो मुझे कैसे पता होगा, तो वो तो आप बताओगे ना। क्या क्या पता पता का क्या मतलब है? अच्छा मतलब तुम कुछ फील नहीं करती राइट? ऐसा वैसे आप क्या फील करते हैं? वैसे इतना सदस्य क्यों है? इतना सरदर्द के क्यों आया? मुझे लगा कि किसी को शायद रिपोर्ट करना मतलब था। कि मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई अपने दिल की बात कहने के लिए बेताब हो रहा होगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा बहुत ऐसे ही आ जाते यार, ज्यादा कुछ तो मैंने करा नहीं यार, बस कपड़े पहने हैं बस बाल सेट करे बस आ गया। कहना तो था लेकिन किसी को नहीं। बोल भी दो ना यार, इतना क्यों ही तर पा रही हो, बोल भी दो ना क्या सोच रही हो तुम, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? कुछ नहीं बस मुझे जानना था वैसे आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ? मैं आपके बारे में तो बहुत ही अच्छा अच्छा ही सोचता हूँ, बट नहीं इस बार मैं नहीं बोलूंगा ठीक है, आपको बोलनी पड़ेगी। वो जो आपकी जो जो टेक्निक लगा रहे हो ना कि आप बच जाओ और मैं बोलूँ, वो होने वाला नहीं है वैसे भी, तो पहले वैसे आपको ही नहीं बताना पड़ेगा। आपको है
अब है या नहीं है वो तो बाद की बात रहेगी ना, आप बताओ। अच्छा पर आप बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा अच्छा मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बतानी तो मत बताओ ना, क्योंकि यार जो भी फील अरे कर रहे हो आप, जो सोच रहे हो वो सुमित के लिए कर रहे होगे ना, तो मुझे क्यों ही बोलोगे फिर। आप इसमें सुमित कहाँ से आ गया बीच में? सुमित तो पहले से ही था ना इस स्टोरी में, वो कहाँ से नहीं आया, वो तो पहले से ही है। हे प्रभु जी क्या करूँ मैं इसका? अगर ऐसा कुछ होता ना तभी तक आप बोल चुके होते, पता है कितना वो परेशान नहीं करते मुझे, एक सुनने के लिए हमारे भी नहीं। बीच में सुमित कहाँ से आ गया? वो तो आपको पता होगा ना, इतना पूछने के बावजूद भी आप नहीं बता रहे हो, तो मैं क्या ही बोलूँ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद आपके दिल दिमाग में अभी भी कहीं वही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही और आपके अरे कॉल रुको करने पे तो ही मैं आया था। फिर, रुको तो। नहीं यार तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं घर जाके रेस्ट करता हूँ। अच्छा मेरे को ना कुछ बोलना था। मैं बोलूँ? क्या बोलना था? बोल सकती हूँ ना? परमिशन हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हाँ तो मैं बोल रही थी कि नहीं सुनाई नहीं दे रहा मुझे, थोड़ा लाउड बोलो। ठीक है, मैं चाहता हूँ ना कि सिर्फ मैं ही नहीं सुनूं, लोगों को भी पता चले। कुछ भी। हाँ अब इतना धीरे बोलोगी कि सिर्फ मैं ही सुनूंगा तो क्या ही पता, फिर आप खुल के बोलो ना। पता भी है कॉलेज का फर्स्ट डे था जब मैं उसको देखी थी। मैं भी एडमिशन करवा रही थी और वो भी। ठीक है सुन रहा ना? कहाँ हूँ मैं? मैं सुन रहा हूँ। हाँ पता भी है कॉलेज का फर्स्ट डे वो एडमिशन करवा रहा था और मैं भी एडमिशन करवा रही थी। मैं जब उसको देखी ना, हाय मैं देखती रह गई। इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था ना, क्यूट बंदा, इतना ज्यादा प्यारा। और ऊपर से मैं तो कुछ पल के लिए मुझे लगा कि मेरी आत्मा जो है ना मेरी बॉडी से निकल गई। कसम से मैं क्या बताऊँ, वो जब भी मेरे क्रॉ मेरे पास से गुजर जाता मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। पता भी है? हाँ क्या करे, मैं कितनी बार तो मैं क्लास में, आपको तो पता ही होगा कितनी बार क्लास में टीचर मुझे ऐसे चौक मार के बोले किधर ध्यान है, याद है? याद है। उसी के ख्यालों में क्या करे। और तो और व्हाट अ को इंसिडेंट कि हम लोग दोनों सेम सब्जेक्ट के हैं, सेम बैच। जब मैं सुनी थी ना, मतलब तो इतनी ज्यादा खुश हुई थी कि मुझे डेली उसको देखने को मिलेगा। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं क्या रिएक्शन होगा क्योंकि वो किसी लड़की से बात नहीं करता और रूड खड़ूस टाइप। लेकिन अब वो बात करता है। समझ रहा ना? नहीं मैं नहीं समझ रहा, तुम किसकी बात कर रही हो? क्लियर बताओगे तभी तो समझ में आएगा। इतनी देर से तुम पता है जलेबी की तरह बातें घुमाई जा रही हो, घुमाई जा रही हो, बता ही नहीं रहे ना कि कौन है वो, क्या है क्या है, क्लियर बोलो ना। अभी मेरे सामने खड़ा है, एक नंबर का खड़ूस है। बहुत अच्छा प्यारा है, मैं कैसे बताऊं? बता भी दो ना बाबा, बता भी दो ना। हाँ कितना ज्यादा मेरे दिल में क्या है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। कितना जैसे कि राज, जैसे सिमरन को राज से था, हीर को रांझे से था, सीता को राम से था, और जारा को वीर से था। राधा को कृष्ण का था। लेकिन मुझे राधा कृष्ण वाला प्यार नहीं चाहिए। वो कौन सा वाला कह लोग रही हो? अलग नहीं होते ना, वो लोग साथ साथ नहीं रहते ना, इसीलिए। हाँ तो मैं अभी डायरेक्ट बोलती हूँ, ठीक है ना? बताओ ध्यान से बताओ। सुनना। तो मिस्टर आकाश, क्या आप मेरे साथ अभी से लेकर बुढ़ापे तक साथ रहना पसंद करेंगे? माय गॉड, बता नहीं सकता यार स्नेहा, आप पता है ये आपके मुंह से ये प्यारी सी लाइन सुनने के लिए मैंने यार कितना ज्यादा वेट करा है। हाँ तो बोलो।
हाँ नहीं यार, बहुत बड़ा वाला। हाँ है, बहुत बड़ा ओ, वाला। मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं ना, उठाओ तो। अरे बाबा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। क्या मैं आपको हक दूँ? हाँ जल्दी। है कितना सुकून है यार आपकी बाहों में, बता नहीं सकता मैं। पता है जब से आपने ये सारी बातें बोली है ना भाई, मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे दिल में जो हो रहा है ना, जो मैं फील कर रहा हूँ, वो शब्दों में बयां कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब से मैंने आपको फर्स्ट डे कॉलेज में देखा था ना, उसी टाइम पे मैं आपसे फिदा हो गया था। आप पे दिल ऐसा चाह रहा था कि मैं जाऊं आपके पास और उसी टाइम अपने दिल की बातें बता दूं, बट यार फिर कहीं ना कहीं दिल अब मेरा जो है खुद को रोक लेता था कि नहीं यार, अगर मैंने अगर अपनी जल्दबाजी में अपने मन की बात बता दी ना, तो शायद हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। उसी टाइम से ये ख्यालात थे मन में कि हाँ यार, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए कि यार वो रोज क्लास में सिर्फ मेरे पास बैठे, उसकी जो बाहें हो ना मेरे कंधे पे, मेरे शोल्डर पे हो, और साथ में जो है वो अपनी प्यारी सी बातें करती रहे और मैं चुपचाप से सुनता रहूं। कैंटीन में जब वो बैठे तो सिर्फ वो मेरे पास हो, प्यारी प्यारी जो अपने हाथों से कुछ भी जो बना के ब्रेकफास्ट लाए, उसका प्याला निवाला प्यार से मुझे खिलाए। क्या ही कभी तो बताऊं, बताया नहीं, बात कभी बताए नहीं यार, बस क्या ही बोलूं, करने से मौका नहीं जो मिला। मैं कब से सोच रही, मैं सोच रही आप बोलेंगे लेकिन पता है नहीं, मैं सोच रहा था मतलब ना कि जब आप अपनी अपनी प्यारे होठों से जब आप प्रपोज करोगे ना अपने मन की बात पर, तो कैसा ही दिन होगा। बट यार सही बता रहा हूँ ना, आपने पता है मेरा पूरा दिन बना दिया, और ये दिन तो बस अभी भी दिन की जाना है, बात। अभी भी हाँ जाना है, तबियत खराब है अभी नहीं, अभी बिल्कुल तबीयत खराब नहीं। ये बातें सुन के पता है जान में तो जान आई है, अब तो लग रहा है यार पूरी लाइफ जो है ना एकदम ही प्यारी से प्यारी हो गई एकदम, बता नहीं सकता मैं। पता है आपको किसी ने शायद बताया नहीं होगा कि आप इतनी ज्यादा क्यूट हो, इतनी ज्यादा प्यारी हो। और हाँ, ओ आप मुझे हाँ कह रहे थे कि इतना बन सबर के क्यों आए हो, और खुद जो देख रहे हो, खुद को कभी देखा आईने में? हाँ मैं मुझे अच्छी नहीं लग रही। अच्छा अच्छी नहीं लग रही बाबा, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। अपने आप को जो है ना कभी मेरी नजर से देखो ना, कितनी ज्यादा प्यारे हो आप। आपकी नजर से कैसे देख लूं मैं, वो यहाँ तो आप देखेंगे ना। नहीं, आप जो है ना मेरी आंखों में देखो, और खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा ना कि आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। वैसे मेरे को छोड़ने वाले हैं ना, तुम लोग पब्लिक में हमारे में ना। नहीं ना, थोड़ी देर और हक करने दो ना बाबा, प्लीज ना थोड़ा सा प्लीज। बता, मेरा मन नहीं करता मैं आपको ऐसे ही छोड़ूं। पता है आपकी बाहों में बिल्कुल यार बहुत ही सुकून है, बहुत सुकून है। अच्छा बेबी, बेबी तो बोल सकता हूँ ना? ठीक है। हाँ आपने बोला था कल ही कि मैं बोल सकता हूँ, परमिशन ऑलरेडी आपने दी थी। आपने जो है कल प्रॉमिस करा था कि आप आज मेरे साथ मूवी डेट पे चलोगे, याद है ना? मूवी कल तो मैंने पूछा था ना, हाँ तो फिर इतना ऐसा क्यों, ये मतलब क्या कहते हैं, अजीब सा फेस क्यों बना रखा है मूवी के नाम पे, क्या ही हो गया? कोई भूत वाली कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये नहीं रोमांटिक मूवी है। कि मुझे याद ही नहीं था ना इसलिए। मुझे सब पता है, ठीक है, तुम्हें पूरा याद है, इसलिए तुम इतने बन सवर के आई हो, मुझे सब पता है। ओके बेबी आपको जो है ना अपने मन की बातों को बोलने की कभी कभी ही नीड है, ठीक है? मुझे आपकी बातें ना बिना बोले हुए मुझे सब समझ में आ जाता है। अच्छा जी, ऐसा फिर मैं कपड़े सोच रही थी बोलने के लिए, तो वो क्यों नहीं बोल रहा था, बोलना चाहिए मुझे पता थी, ठीक है, आपकी जो भी फीलिंग्स थी ना वो आपकी आंखों ने बहुत पहले बयां कर दी थी। था ना। तो अच्छा सुनो ना बेबी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैसे भी सुनो, आज तो है हम मैंने जो है वो नाइट की टिकट बुक की है मूवीज की, ठीक है, क्या 9th 12th, ठीक है, नाइट की शो की टिकट है हमारे पास, क्योंकि यार पता है आज जो है ना प्रपोज डे को लेके इतनी ज्यादा भीड़, मतलब इतना ज्यादा रश चल रहा है ना थिएटर्स में कि यार सारे शोज फुल ऑफ टॉप फुल जा रहे हैं, फिर नाइट की टिकट मिल पाई है। आई होप यू डोंट माइंड।
आई होप यू डोंट माइंड, मेरे को थोड़ी ना है, मेरे घर वाले ना। अच्छा मतलब कि आई डोंट माइंड बट मे बी योर फैमिली विल माइंड, राइट? राइट, बट मैं कुछ देखती हूँ, ठीक है? तो फिर चलते हैं फिर। ओके। अभी बाबा अभी मूवीज के लिए नहीं, अभी क्लासेस है हमारी, क्लासेस वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मिलते हैं कैंटीन में, फिर प्लान करते हैं कि घर वालों को क्या बोलना है। ओके ओके चलें। चलें। बट उससे पहले यार 3 मैजिकल वर्ड्स तो बोल दो ना। अभी मैं इतने अच्छे से, इतना अच्छा से डिस्क्राइब की, बोलना जरूरी होता है। बोलना जरूरी है, मैं अब बोल। इतना अच्छे से मैं बोली, अब आपकी बारी। कम ऑन, टू इट, यू कैन, टू इट, यस। इतने हाँ, आई लव यू, सेम टू यू। सेम टू यू नहीं कहते हैं बाबा, कुछ और कहते हैं। चलो बोलो। आई लव यू मोर, अच्छा ये पोएम की तरह नहीं बोलना, चलो अच्छे से बोलो, फील आई करके। लव यू। आई लव यू टू। आप चलें। हाँ।